किसके कहाँ पे? ये पीछे वाले खंडर ये निकलने चाहिए, निकलने चाहिए। हाँ, ये यहाँ होगा लाल। अच्छा देख नीचे से वो है बोल्ड है इसके। उसके बाद जो है ना निकलने वाले ना, निकलेंगे ये सब निकल जाएंगे सारे। यार एक चेक करो ये रॉड इसकी टेढ़ी है, उधर की सीधी है बिल्कुल, ये वाली ना। अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर सीधी होगी तो ये व्हील आगे आया हुआ, इसका मतलब है नहीं, इसके पीछे बैठे हुए थे व्हील नीचे से अंदर गया वो सब यहाँ से लगा हुआ ही नहीं। अगर आप रॉड सीधी करोगे तो क्या इफेक्ट होगा इसका? व्हील सीधा होगा। अच्छा ये मतलब है खाली ये आगे पीछे का सिस्टम जो है ना इसका, वो वहाँ से रुका हुआ है। ये पोर्शन रॉड का लंबा एक रॉड वहाँ जा रहा है ना आगे से, वो उसको आगे पीछे जाएगा। ये इसकी ये वाला साइज है। अच्छा ये वाला साइज तो ठीक है, ये तो सीधा कर देगा व्हील को। हाँ ये सीधा करेगा तो व्हील जो नीचे से अंदर बाहर होगा ना, अभी ना बिल्कुल जाम हुई हुई है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा। तो मैंने सोचा ड्राइव पैड भी खोले इसके, डिफरेंशियल का ऑयल वाली चेक करे, उसको रवा करे खोल के जरा आगे पीछे हो सके ताकि फंस गई है गाड़ी। ये काम डेंटिंग का काम नहीं है सर, ये आप रेस्टोरेशन कर रहे हो, एक मूर्ति को आप जिंदा कर रहे हो अगले 50 साल के लिए। तो आपको ये सोच के काम करना है, मैं इसमें वो काम करूँ कि 50 साल तक ना तो इसमें रस्ट है और ना इसके ऊपर कोई उंगली रखे। मैंने तो उसको देखना है ना, और मेरे पास तो 1000 लोगों ने इसको देखना है। सही बात। तो आपने अपन उसके दिमाग से पहले अपना मिजाज बनाया, इसके बाद इस तरह नहीं होगी, पहले इसकी ड्राइंग्स बनेंगी, एक मिजाज बनेगा, बैठ के सोचा जाएगा इसके बारे में किस तरह शुरू करें। ऐसे कोई उठा के काम होगा इसके अंदर। गुड़ का काम काफ़ी है, कुछ सैंपल कोशिश करेंगे मिल जाए कुछ, जो बाहर से मंगवा सकें जो यहाँ से कर सकें। नहीं वुडिंग का काम तो हो जाएगा, अगर सब कुछ चीज़ें होती है तो भाई अच्छा आपको कारपेंटर मिल जाए। हाँ क्या चीज़ें? चीज़ें बहुत सस्ती हैं और मैं मंगवा नहीं सका। क्या चीज़? एक आएगा इंग्लिश व्हील। यार इंग्लिश व्हील बड़ा जरूरी चीज़ है। एक इंग्लिश व्हील आएगा, उसकी कीमत $100-150 है। मंगवाते हैं और मैंने वहाँ से बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे किसी भी अपना इंग्लिश व्हील बड़ी कमाल की चीज़ है। एक आप इंग्लिश व्हील मंगवा दो। इंग्लिस्तान में जितने डेंटर है ना उधर पूरी पूरी बॉडियां बना देते हैं वो इंग्लिश व्हील के साथ। एक इंग्लिश व्हील आप मंगा दो मेरे को और एक बीट रोलर मंगा दो। बीट रोलर वो क्या चीज़ है? वो अड़की डालता है। अच्छा हाँ आप लेसी मेटल अपना शेपिंग शेपर आप मैं वीडियो इसलिए बता रहा था कि आप मैं बैठ कर सुनूंगा आराम से। हाँ लेसी मेटल शेपिंग अगर आप देखो अपना सर्च करोगे ना वहाँ तो वहाँ पे आएगा। वो अपना ये टूल बनाता है सारे के सारे और अपना वो बॉडियां भी बनाता है। वो ज़्यादातर अपना रोड स्टार अपना फोर्ड जो आती है ना उसकी उसकी वो बॉडियां बनाता है। अगर आपको इंग्लिश व्हील मिल जाए और वो बीट रोलर मिल जाए और दो अपना अपना श्रिंकर है छोटे छोटे से, इतने इतने पीस होते हैं वो हाथ से भी चलते हैं और वो भी चलते हैं। वो एक किस्म के दांत हैं, एक दांत जो है उसमें चादर को प्रेस करता है, वो चादर को जो है फैलाता है और एक चादर को सुकेड़ता है। मतलब जैसे कि एक सीधा पीस है इसको मैंने गोल करना है। तो अब्बा तो हमारे यूँ करते थे, ये सीधी चादर होती थी इसको रख के वो यहाँ पर दबा के कूटते थे तो ये चांद बन जाता था। इस चांद ज्यादा गोल होगा तो वो यहाँ से कूटते थे थोड़ा सा सीधा हो जाता था। उसके अंदर वो चीज है, जैसे अगर आपने अगर ये अर्की डाल दी है इसके बाद मैंने इसको राउंड शेप देना तो मैं थोड़ी सी नहीं ढूंढूंगा, मैं उसके अंदर डाल के उसको हल्का हल्का प्रेस करूंगा तो वो उसका ऐसा खूबसूरत राउंड आ जाएगा जिसकी ये चीजें ये चीजें ज्यादा से ज्यादा सर $1000 की मार है। $1000 से ऊपर की मार है। ये आप मंगवा लो ये जैसी मर्जी हो, क्योंकि इसका ये बनाने के लिए जो है ना ये बनाने के लिए इंग्लिश व्हील चाहिए। क्या बनाने के लिए? ये डिक्की और बॉनट बनाने के लिए इंग्लिश व्हील चाहिए। अच्छा वो तो हाँ आप बहुत हम खुद ही आपको बना के ऐसा दे देंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैं भी बाबू उस्ताद के शिखर पर बैठे हूँ। आपकी बात सही है, देखिए मैं आपको करने वाला हूँ लेकिन मैं ये कहता हूँ जहाँ तक घोरा पहुँचा ना वहाँ तक हम लोग भी नहीं पहुँचे। हाँ नहीं इंग्लिश व्हील एक ऐसी चीज़ है जो मैं चाहता था कि आए इंग्लिश व्हील बहुत अच्छा। अब मैं ऐसे चेक करता हूँ किसी के पास शायद हो भी तो मैं बोरो कर सकूँ। देखिए इसका इस अगर इसका अगर आपने यहाँ से पीस बनाना ना हम इसको क्या करेंगे जी बाजार पे के जहाँ पे अर्की डलवाई ये वाली अर्की डलवाने के बदले कूट कूट के इसको ये गोल करेंगे ये भी और ये इंग्लिश व्हील में क्या होगा हम लोग इसका एक थर्मा बनाएंगे यहाँ पे एक पैटर्न बनाएंगे इस पीस का। पैटर्न बनाने के बाद इसको इंग्लिश व्हील में गोल करेंगे। इंग्लिश व्हील में ये गोल हो के ये अपनी शेप लेकर आएगा पूरा। पहले इसके पैटर्न बनेंगे गत्ते के क्या पैटर्न बनाओगे ये पैटर्न 4-6 पैटर्न बनेंगे पूरे बनने के बाद उस
पीस के ऊपर इंग्लिश व्हील से आप इसको जब आप रोल करते रहोगे तो पैटर्न लग के आप चेक करते रहोगे ताकि आपका ये शेप और ये शेप बराबर आ जाए। जब ये शेप बराबर आ जाएगी फिर जो वो बीट रोलर है ना, फिर इस बीट रोलर से आप ये हकी डाल देंगे तो ये आपकी हकी ना घूमेगी ना कुछ होगी और ये बिल्कुल ऐसी। उसके बाद फिर उसके ऊपर होना चाहिए मैग वेल्डिंग जो आपके भाई के पास है, जो मैं ला सकता था वो मैं लेकर आया, जैसा काम नहीं मैं पता मिक के टांगे लगेंगे तो ये कहीं भागेगा नहीं, 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 नहीं। उसके बाद खड़ा करके फिर बारीक से उसको आखिर में गैस वेल्डिंग ही होता है टक्कर से टक्कर में, जहाँ पीस ऊपर चढ़ गया समझो बर्बाद है, जहाँ पीस नीचे रह गया। अरे ये साइड काफ़ी साफ है, ये वाली थी खाली मैं कह रहा हूँ एक साइज लेने के लिए और हेल्प मिल जाएगी इससे। और ये काम सिर्फ इंग्लिश भी गई है, इस बॉनेट का ये है कि पूरा पेपर के ऊपर रख के इसका पूरा इसका इसको ट्रेस करके उसकी ड्राइंग बना लीजिए पूरे बॉनेट उस बॉनेट को उस पीस को रख के आप काटें चादर को फिर इंग्लिश व्हील का बना लो, उसको गोल करता रहे खाता रहे शेप बनाता रहे आखिर कर लेकर $1,000 खर्च कर लें, क्योंकि मैं वहाँ देख के मुझे एहसास हुआ था कि मेरे को लगा शायद ये लोग मंगा सकें। वो फारूक साहब ने आपने नाम बताया था, फारूक साहब ने नाम बताया था ना, मुझे साइड एरिया में जिंदा हुआ था वो शिफ्ट कर गया मेरे को कल परसों के बताया था कि जीने के वो बाहर चले गए वर्कशॉप चले गए जो अमेरिका से गाड़ियाँ।